सामर्थ को मांगो इस समय में, हाथ को उठाओ। मैं बोल रहा हूँ जैसा आपका विश्वास है आपके साथ यीशु के नाम से, अगर आपका विश्वास है कि आज के अनॉइंटिंग के द्वारा वो कार्य आपके जीवन में हो चुका है, तो मैं इसके दास होने के नाते घोषणा करता हूँ वो आपका बने का काम प्रभु यीशु के सामर्थ के नाम से, आपका काम बन चुका है प्रभु यीशु के नाम से, वो बंद द्वार, वो बंद रास्ते, वो बंद मार्ग खुल गए प्रभु यीशु के सामर्थ के नाम से। आपके लिए नामुमकिन, मेरे खुदावन के लिए मुमकिन, आपके लिए नामुमकिन, मैं बोल रहा हूँ घोषणा के द्वारा यहोवा उस चीज को मुमकिन करेगा प्रभु यीशु के नाम से। अंगीकार के द्वारा आपके कि हो चुका है, आप चंगे हो जाओगे, वो काम बन पड़ेगा, वो मुर्दा हालात में जान आ जाएगी। बोल रहा हूँ फिर से, वो 12 साल के लोगों ने कहा कि मैं छू लूंगी, तो उसने विश्वास किया कि मैं चंगी हो जाऊंगी, और यहोवा ने कहा, यीशु ने कहा कि मैंने अपने अंदर से एक सामर्थ को देखा कि निकली है, सामर्थ रिलीज हुई है। आज मैं बोल रहा हूँ यीशु मजबूर हो जाए कहने के लिए आज, सच में यहाँ पर सामर्थ रिलीज हुई है आपके विश्वास के द्वारा। मैं बोल रहा हूँ आपका विश्वास आपके जीवन में वो काम जो कोई नहीं कर सकता, मेरा यीशु कर सकता है, जिसे 4 दिन के लाजर मुर्दे लाजर को जीवन दिया, वो क्यों नहीं आपकी परिस्थिति में जान डालेगा। अगर आप उसके प्यार को समझ गए, अगर आप उसे जान लोगे कितना महान सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर है, मैं बोल रहा हूँ आप अपने मिरेकल से दूर नहीं है। हो नहीं सकता कि आपके जीवन में वो कार्य ना हो जो यहोवा ने रखा है, उसकी योजना पूरी ना हो जो उसने रखी है, उसकी योजना भलाई की है, उसकी योजना भरपूरी की है, आपको आगे बढ़ाने की है। अगर आपका विश्वास है कि आप आगे बढ़ोगे, मैं घोषणा करता हूँ कि आप आगे बढ़ोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। अगर आप विश्वास करते हो कि आप भरपूरी के जीवन को जियोगे, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा यहोवा जो अपने आसमान को खोलेगा और उस झरोखे को आपके लिए वो खोलेगा, और आपके भरपूरी को वो आपके जीवन में रिलीज करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब सूबेदार को देखते हैं जगह पे, उसने कहा परमेश्वर मेरे अविश्वास के लिए प्रार्थना कर, अविश्वास को कार्य मत करने दो। जब अविश्वास आता है तब वो कार्य जो यहोवा की ओर से आपके जीवन में नियुक्त है वो दूर हो जाता है। आज विश्वास के साथ कि मेरा काम बन चुका है, मेरा काम हो गया है, ये बीमारी चली गई है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यहाँ आने से अनॉइंटिंग में जुड़ने से मेरे काम बन गए हैं, मेरी तंगी जा चुकी है, वो श्राप टूट गए हैं, क्योंकि जैसा आपका विश्वास वैसा आपके साथ। प्रे करो एक मिनट के लिए जो बड़ी बात क्या थी, उद्धार वो आपको मिल चुका है, इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं बोल रहा हूँ जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार कर रहे थे, तो चंगाई उसमें लिखा है वो करते रहे जहाँ पर वो जाते थे। आप देखो मीटिंग में वो करता रहेगा चंगाई, जिसको चाहिए वो देगा, विश्वास आपका है वो चंगाई आप प्राप्त करोगे, वो श्राप से आप आजाद होगे, वो श्राप टूटेंगे, वो बंधन टूटेंगे आपके विश्वास के साथ। खुदावंत काम करता रहेगा, वो काम करते करते कभी नहीं थकता। हालेलुया, अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत, वो कभी नहीं बदलता, वो पहले काम करता था, वो काम करता है, वो काम करता रहेगा, वो चंगाई देता था, चंगाई देता है, चंगाई देता रहेगा, वो बंधन तोड़ता था, तोड़ता है, तोड़ता रहेगा, वो उधार देता था, उधार देता है और आपको उधार देता रहेगा। आपको उधार मिला है वो सबसे बड़ी बात आपके लिए है, कि आप उसको जानते कि वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और जिससे मुर्दों में से जी उठा, उसके जैसा कोई नहीं, वो अथॉरिटी वो अधिकार आपको मिला है। मैं बोल रहा हूँ आप चुना हुआ वंश हो, आपको वो अधिकार मिला है, उस अधिकार को समझो और उसको अंगीकार करो, अंगीकार करो कि मैं चैवन से बढ़कर वो जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है, उससे जो इस संसार में कलेश है, दुख है, बीमारियां हैं, परंतु वो जो आपके अंदर है वो सामर्थ्य है। जब वो सामर्थ्य आपके अंदर है तो आपका विश्वास बढ़ता है, जब आपका विश्वास बढ़ता है तो आपका कार्य होता है, जब आपका कार्य होता है तो आपका जीवन एक गवाही बनती है, आप एक जिंदा गवाह बनते हो। हालेलुया,
मेरा विश्वास है आप में से एक एक जिंदा गवाह बन चुके हैं प्रभु यीशु के नाम से। बोल रहा हूँ आप जिंदा गवाह बन चुके हैं प्रभु यीशु के नाम से। आप एक जिंदा गवाह बन चुके प्रभु यीशु के नाम से। क्योंकि मैं जानता हूँ उसका काम करने का तरीका अद्भुत है। वो नहीं देखता कितने समय से आपकी बीमारी है, वो नहीं देखता कितने समय से आप इस दुख में हो, वो सिर्फ ये देखता है कि उसने मुझे पुकारा है कि नहीं, कब उसने मुझे पुकारा। क्योंकि जब जब आप उसे पुकारते हो वो सुनता है। तुम्हें लिखा है तुम मांगते नहीं तुम्हें मिलता नहीं, तुम मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज मैं बोल रहा हूँ तुम मांग रहे हो तुम्हें मिल रहा है, तुम ढूंढ रहे हो तुम पा रहे हो, खटखटा रहे हो उसके पास आए हो, उसकी हजूरी में चार परमेश्वर में जीवन में कर वो काम को जैसा आप चाहते हैं वैसा करे। मैं बोल रहा हूँ वो द्वार आपके लिए खुल गया प्रभु यीशु के नाम से। वो खुलेगा नहीं, वो खुल गया है प्रभु यीशु के नाम से। जैसा आपका विश्वास वैसा आपके साथ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। लिबांदा रोस से एक मिनट के लिए प्रार्थना करो सभी। लियांदा रस से खेले अधिकार को पहचानो, अंगीकार को करो। वो कभी नहीं बदलता, उसका प्यार कभी नहीं बदलता, उसकी करुणा कभी नहीं बदलती, उसका अनुग्रह करने का तरीका कभी नहीं बदलता, उसका दया वाला हाथ कभी नहीं हटता। आपका विश्वास है कि उसका दया वाला हाथ आपके ऊपर रहेगा, सुरक्षा रहेगी तो वो रहेगी, वो आपसे कभी दूर नहीं होगा, वो कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो हर पल हर समय जब जब आप पुकारो वो सुनेगा, उत्तर देगा, अपने चिरोकी को खोलेगा, आपके साथ आपके मुश्किल हालात में वो रहेगा, उस तराई में वो रहेगा, दुख के समय में रहेगा। और एक आशा पवित्र आत्मा की आप और से आपके जीवन में दी जाएगी कि मत डर, यहोवा कहता है कि वो तेरे साथ है। इधर उधर मत डर क्योंकि यीशु कहता है वो ही तेरा परमेश्वर है। जिसके और यहोवा है उसका विरोधी कौन हो सकता है? ना ही कोई बीमारी, ना कोई हालात, ना ही कोई रिश्तेदार, कोई भी आपका विरोधी नहीं सकता है क्योंकि आप ही और आपका यहोवा है। आप स्वतंत्र हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप आजाद हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन आपकी पाक और गुप्त मंजूरी के लिए। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम से।